शेयर्स और नतीजों की। कल बाजार बंद होने के बाद और ओवर द वीकेंड काफी ढेर सारे नंबर्स भी आए, वो भी एक बार देख लेते हैं। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो नतीजों के बारे में बताइए, कौन-कौन से नंबर्स आए? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स अर्निंग्स पे फोकस रहेगा, कोल इंडिया फोकस में रहने वाले, और यहाँ पे जो है नतीजों से बेहतर जो है रिजल्ट्स देखने मिले हैं। रेवेन्यू, पैट, एबिटडा तीनों ले लीजिए तो यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट देखने मिलेगी। अभी जो रेवेन्यू ग्रोथ है इसके दो कारण है बढ़ने के लिए। सबसे पहले ऑफकोर्स जो हायर वॉल्यूम्स देखने मिले हैं और जो रियलाइजेशन होती है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आई है, और हमें पता है कि जो पावर डेफिसिट हो रही है देश में तो उसके कारण कोल का जो यूसेज है उसमें भी जो है बहुत स्ट्रांग डिमांड्स देखने मिल रहा है। दूसरा स्टॉक रहेगा आयशर मोटर्स। यहाँ पे देखें तो उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, टॉप लाइन भी ग्रोथ लगभग 17% का और नेट प्रॉफिट 50% के ऊपर गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कमेंट्री अच्छी आई है, जो डिमांड है रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल्स की उसमें स्ट्रेंथ देखने मिला है, एंड ऑफकोर्स फेस्टिव सीजन के भी नंबर्स जो है आगे जाते हुए महीनों में देखने मिलने वाले हैं। और दूसरी बात जो VECV सेगमेंट है उनका कमर्शियल्स का, उसमें भी जो है एक अच्छी गाइडेंस देखने मिल रही है। तीसरा स्टॉक रहेगा LIC। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, लेकिन कुछ कुछ ऑपरेशनल पैरामीटर्स की अगर बात करें, टेक्निकलिटीज़ में नहीं घुस के, तो वो थोड़े मिले जुले देखने मिल रहे हैं। हालांकि ऑफकोर्स बाज़ार को कहना है कि वैल्यूएशंस अभी भी सस्ते हैं। तीसरा स्टॉक के बाद चौथा स्टॉक रहेगा BSE। बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, और याद रखिए जो रेवेन्यू है इसमें जो है लगभग 60% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुआ है, और जो उनकी मार्केट शेयर है वो आपके ऑप्शंस को लेके वो अभी भी बढ़ रही है, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला। और स्टॉक जो इस साल आपने देखा है कि बहुत तेज़ी देखने मिली है। सन टीवी के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, और ऑफकोर्स उनके नंबर्स का जो बेनिफिट है, एक इंपॉर्टेंट मूवी आई थी रजनीकांत जी की जेलर, तो उसका भी बेनिफिट इनको मिला है क्योंकि वो प्रोड्यूसर थे। लेकिन जो सेकेंड हाफ होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी इनके लिए क्योंकि उनके एड सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू उसमें बढ़ोतरी देखने मिलेगा, एंड ऑफकोर्स इलेक्शंस भी है और फेस्टिव सीजन का जो है कंटिन्यूशन देखने मिलेगा। ONGC के लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए, अनुमान से जो है कम नंबर्स देखने मिले, और यही बायकॉन की बात करें वो भी वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। थोड़ी एडजस्टमेंट ज़रूर हुए हैं लेकिन ओवरऑल वीक नंबर्स ही हैं। और स्मॉल कैप्स में से एक कंपनी है जिसने बहुत शानदार नतीजे लाए हैं, वो है पावर मेक प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे देखें तो एबिटडा में 30% का भी उछाल आया है, और इवन मार्जिन्स में भी देखें तो ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का ग्रोथ देखने मिला है। तो इस स्टॉक को जो है स्मॉल कैप्स में से एक अच्छे नतीजे आए हैं, तो यहाँ पर मूवमेंट देखने मिल सकती है। तो ये ओवरऑल स्टॉक्स है जो आपके ट्रेडिंग में जो है, आप दिन के ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दोनों में जो है फोकस में रहने चाहिए। लेकिन याद रखिए ऑलरेडी मुहूर्त ट्रेडिंग हुई थी तो थोड़ी सी इम्पैक्ट जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी देखने मिली है, लेकिन ऑफ कोर्स जो ब्रोकरेज अपग्रेड्स आती हैं और ये इत्यादि चीज़ होते हैं तो उसके कारण जो है और इम्पैक्ट जो है देखने मिल सकता है आज। बिल्कुल, ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दी अभी शरद ने, इस पर आप ध्यान रखिए।